ए मेरे के वटो भैया इधर ले आओ नैया हमें बन जाना है। ए मेरे के वट भैया इधर लाओ नैया हमें बन जाना है। मेरे के वट भैया इधर लाओ नैया हमें बन जाना है। मेरे के वट भैया इधर लाओ नैया हमें बन जाना। जाना 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 ए संग में हमरे जनाना संग मा हमरे जनाना हमें बन जाना ही। संग में हमरे जनाना हमें बन जाना है। के भैया अरे लाग मैया हमें बन जाना है। भगवान केवट से कहा भैया नाव ले हमें जल्दी जाना है। केवट खाना खाए रहा है। अब आप देखिए बड़ा विचित्र बात। आज भगवान गंगा जी के किनारे खड़े हैं और कहा मांगी नावुन केवट आना और कहा ये तुम्हारा मरम हम जाना। भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। या कहो नाव नहीं भगवान ने नाव नहीं मांगी और केवट आने को तैयार है। बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर एक एक शब्द भी हमारे लिए सुगम है और समझने के योग्य। देखिए भैया भवानी ने पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न कर दिया। महाराज भगवान ए भगवान वो भगवान वही तो भगवान है वही तो भगवान है। तीन पैग में तीन लोक नापलीन भगवान नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। जो तीन पैग में राजा बलि का तीनों लोक नाप लिया था आज वही भगवान जरा सी नदी को पार करने के लिए केवट से चिरौरी करते हो केवट लड़ता है कि नाव नहीं लाएंगे हैं? भगवान काहे ने उतर गए पार। भगवान शंकर बोले देवी भगवान बहुत सारे कारण समझते हैं। नंबर एक पहला कारण भगवान क्या सोचते हैं गंगा जी को भगवान पार नहीं क्यों किया। पहला कारण समझिए गंगा और भगवान का रिश्ता है पिता और पुत्र का पिता और पुत्री का रिश्ता है। गंगा है भगवान की बिटिया। ए बाप को सब कुछ करना चाहिए लेकिन ए भैया बेटी से तीन काम कभी बाप को नहीं कराना चाहिए। और जो बाप अपनी बेटी से दो काम कराता है उस बेटे के उस बाप के जीवन में बहुत बड़ा नरक का रास्ता खुलता है। नंबर एक पर बेटी को थप्पड़ मारो पकड़ के यहाँ मुंह दुनाई दो पकड़ के यहाँ चिंगदरी कह दो लेकिन बाप को अपनी बेटी को लात नहीं मारना चाहिए। क्यों भैया बेटी को लात नहीं मारना चाहिए नंबर एक। और नंबर दो बाप को चाहिए कि अपनी बेटी से कपड़ा न छटावे। लड़की से कपड़ा छटवाना महापाप है और पाप न सबका बाप है। लड़की से कपड़ा नहीं छटवाना चाहिए अपनी बेटी से। भैया पत्नी से कपड़ा छटवाओ लड़कन से कपड़ी छटवाओ बहुरिय से कपड़ा छटवाओ इनका जमीन दिया हो संपत्ति दिया हो है बेटियों से कपड़ा छटवावा था बेटियों से कपड़ा धोवावा था मुंह बनावा था। लड़की से कपड़ा नहीं छटवाना चाहिए। देखिए रामायण तुम्हारी कहती है गंगा जी का और भगवान का रिश्ता है बेटी का। भगवान ने सोचा बेटी के ऊपर पैर रख कर के निकलूंगा तो कितना बड़ा मेरा अपमान होगा इसलिए भगवान ने नाव मांगी। दूसरी बात यह है भवानी ने कहा महाराज अगर पैर नहीं रखना जाना तो क्या करते। भगवान एक और गंगा जी को पार नहीं किया इसलिए क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मेरे साथ जनाना है मेरे साथ जनाना है। और स्त्री को कमर भर पानी से पानी में ज्यादा पेल करके कभी नहाना नहीं चाहिए। कठित माण जल जहां लगी होई
भगवान ने सोचा कि कमर भर पानी से ज्यादा पानी में स्त्री को कभी नहीं घुसना चाहिए। कमर भर पानी से पानी में ज्यादा जो स्त्री नहाती है, कहते हैं वो स्त्री बांझ हो जाती है। जल में रहने वाले वरुण देवता उस स्त्री पर नाराज हो जाते हैं मेरे बंधु, इसलिए भगवान ने नाव मांगी। और दूसरी बात, भवानी बोली, महाराज अगर यह बात नहीं रहा है तो भगवान क्या करते, सियही वो उठाई गो दलई लेते, सीता जी का कन्यम ले लेती, सियही वो उठाई गो दलई लेते, जितसे वो उठाई वो तय धरी देते, जितसे वो उठाई वो तय धरी देते, जितसे वो उठाई वो तय धरी देते, जितसे वो उठाई वो तय धरी देते। सीता जी को कन्यम ले लेते, कन्यम ले, भगवान जब अतना मानत रहे, भगवान जब अतना मानत रहे हैं, सीता जी के अगर खुराज लागत है तो भगवान के रे आंख में आंसू आ जाते रहे, और भगवान का है लागत है है ना, भगवान रावे लागत भैया। तो जब अतना परेशान होते थे तो सीता जी को गोदिम ले लेते, जब भगवान गोदिम नहीं लेते तब तो दादा ये गाना चली गा रहा है, गाना सुने रहो नहीं सुने रहो, और मोह जी ने लॉकडाउन में खेला ही नहीं है ना, एक गाना चला रहा है, गोदिया मा हम का ले लो पिया, राम लखन भूतपूर्व प्रधान जी हमारे मुस्तफरी से, हमारे प्रधान जी की तरफ से स्पेशल हमारे लिए 50 रुपया भगवान से कामना। भगवान ने सीता को गोद क्यों नहीं लिया, देखिए भैया। दूसरी बात ये है, लक्ष्मण रह गए, लक्ष्मण का हाथ पकड़ लेते, कर गा की लखन लगोते पारा, जाते वो तरी गंग की धारा, लेते और हाथ पकड़ करके उस पार उतार देते। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया भैया, देखो भगवान अपनी मर्यादा सोचते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा और विधि विपरीत करे ना कामा। भगवान है मर्यादित, भगवान सोच रहे हैं अगर मैं आज सीता को गोद में ले लिया तो जो हिंदू धर्म है भैया, तो आरे भैया फिर औरतन का पूछक, फिर का वही दे रामायण में यहाँ कन्याम ले घूमत रहे जो हमका नहीं कन्याम ले, तो रुका बनाई तो बने हाँ चलू जाओ भाओ है ना, रुको ना रुको नहीं रुको है ना भैया। तो अब भगवान सोच रहे हैं कि अगर सीता को गोद में ले लिया तो, अरे हिंदू पूजी है मेरा हमारी, रामचंद्र लियो गोदी मनारी, रामचंद्र लियो गोदी मनारी, रामचंद्र लियो गोदी मनारी। अरे हिंदू धर्म सब पूजेंगे, कहे भगवान जब सीता को गोद में ले लिया तो इससे मेरे भाइयों का अपमान हो जाएगा, और दूसरी बात हमारे बाबा जो है मुआछे ऐठत हैं, ये बाबर के लिए मुआछे हो ये धीरा, क्योंकि हम भगवान राम के बाबा का नाम क्या है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन बाबा तो देखते हैं। वो परतपी रहे सूर्य करारे और साखी में बाबा लगाई हमारे, साखी में बाबा लगाई हमारे, साखी में बाबा लगाई हमारे। इसलिए भगवान सीता को गोद लेना स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात ये है भैया कि आज केवट झगड़ा कर रहा है, केवट भरी भरी मारे ताना और कहे तुम्हार मरम हम, केवट कहता है कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं, ना तुम पैदल उतरे हो, ना स्त्री गोदिम लिया हो, ना लक्ष्मण का हाथ तुम, ना पैर पानी में कदम रखी हो, और दूसरी बात ये है कि आज हम सबका बदला लेंगे,
हम तुम्हारा मरम जानते हैं, और मरम के बाद यहाँ पर आ जाए तो भगवान लाग मुस्किया जाए। खो निषाद राज केवट खाते हैं मरम, भगवान के मरम कौन नहीं आना मालूम। कौशल्या मरम नहीं भाखा, और जिन नौ मास गर्भ मारा खा, मरम न जान सकी महतारी, और रही खेलावती वारी वारी, और लक्ष्मण हो यहाँ मरम न जाना, और जो कुछ रचे उचरित भगवान, और दशरथ मरम जान जो पौते, तो काहे राम को बन ही पठौते, केवटू भारी भारी मारई ताना, कहाई तुम्हारा मरम हम जाना। भैया देखो केवट कहता है कि तुम्हारा मरम जानता हूँ, और भगवान का मरम आज तक कोई नहीं जान सका मेरे बंधु, लेकिन निषाद राज केवट नदी के ही पान नाच रहा है और कहता बंदे आज मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। अब भगवान सोचते हैं, अब देखिए भैया आज केवट देखो, केवट है भक्त और भगवान खड़े उस पार। केवट भगवान से झगड़ा करता है, जब बन जाते हैं तो भक्तों भगवान से लफड़ा करे लागत।